नगर पालिका कर्मचारियों ने कुएं में कूद कर की आत्महत्या। क्षेत्र में फैली सनसनी। जनपद श्रावस्ती से एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां पर एक नगर पालिका कर्मचारी ने कुएं में कूद कर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। बताया जा रहा है कि विभाग के द्वारा और नगर पालिका के अध्यक्ष के द्वारा उसको परेशान किया जा रहा था। 24 घंटे की ड्यूटी के बाद भी इसको नोटिस दी जाती थी और भद्दी भद्दी गालियां भी दिया जाता था, जिसको लेकर उसने कई बार अपने परिजनों को बताया था कि हम विभाग कर्मचारियों द्वारा काफ़ी परेशान किया जाता और गाली भी दिया जाता है, जिसको लेकर इसने आज आत्महत्या कर ली, जिससे पूरे मोहल्ले में सनसनी फैल गई। घटना श्रावस्ती के जनपद के कोतवाली भिंडा मोहल्ला सितौरा का है। खास रिपोर्ट भुजवा में श्रावस्ती। आत्महत्या के लिए उकसाया गया नगर पालिका के अध्यक्ष अजय आर द्वारा और शासी अधिकारी द्वारा, और उनके कुछ पुरखे भी हैं, उनके साथी भी, उनके भाई भी हैं। एक्टिवा ग्रुप जब से उसकी नौकरी ज्वाइनिंग की है, जब से उसको लगातार झटका लगाते रहे वो, और वह तनाव में था काफ़ी दिनों से। और इधर की नौकरी कितने दिन हुए? तकरीबन लगभग 3 साल हुए। किस पद पर तैनात? चौकी जलकर विभाग में चौकीदार। किसके द्वारा पड़ताल किया जाता है? पड़ताल अजय आर अध्यक्ष नगर पंचायत भिंडा, शासी अधिकारी और अजय आर के कुछ बुजुर्गे, उनके भाई और उनके साथी। कुछ सुसाइड नोट मिली है, इसमें क्या क्या लिखा हुआ है? एक बाकायदा उस नोट पढ़े का लिखा हुआ था, क्योंकि 3 साल से ऊपर हो गया, उनके फादर का जो है देहांत हुए, उनका पेंशन नहीं बचा था, उनका अब तक पूरा एरियर नहीं मिल पाया था, इसी लिहाज से वो काफ़ी उसे लिखा पड़ी थी। उसकी पैरोकारी मैं खुद कर रहा था, इसके बाद भी वो अल्टीमेटम देते रहे, उसको नौकरी निकालने की भी धमकी देते रहे। और इधर बीच में एक हफ्ता पहले जो डीजल से जो डीसीपी अपडेट चलता है, 1,800-1,200 लीटर फर्जी बिल बनवा करके उससे दस्तखत करवाना चाह रहे थे, और वो भी सकता है जानकारी दस्तखत करा भी लिया हो। इसी तनाव में था और उससे बार बार कह रहे चचा हमारे ऊपर बहुत प्रेशर है, ये खुल के नहीं बता पा रहा, तो ये करता कर चेयरमैन का शासी अधिकारी का उनके बहुत ही प्रेशर है। मैं सदर प्रशासन प्रेक्षक महोदय जिलाधिकारी महोदय से मांग करता हूँ कि अजय आर नगर पालिका अध्यक्ष और शासी अधिकारी, इनके भाई, इनके गुर्गे के खिलाफ 300 तो का मुकदमा दर्ज किया जाए और अविलंब इनकी गिरफ्तारी की जाए। अभी आपने थाने में तहरीर दी है, क्या अभी हम इससे संतुष्ट नहीं है, इसलिए चूंकि मेरा सगा भतीजा उसकी 24 साल रिमांड उम्र थी और उसको उस हिसाब से पद भी नहीं दिया गया, जबकि उसमें पद जो है खाली था, संयोजन कर लेते, लेकिन अजय आर ने जानबूझ करके उसको पद नहीं दिया। और पद अगर दिया भी तो वो भी जलकर चौकीदार का, और उसके बाद जो है रात में ड्यूटी और दिन में सर्दी धुलवाते थे और अपना घर का काम करवाते थे। और ये भी अल्टीमेटम दिया उन्होंने, अगर मेरा कहा नहीं मानोगे तो तुमको नौकरी से मैं निकाल दूंगा। थैंक यू।